बांसोड़ा बस स्टैंड पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फुल वर्षा कर भव्य स्वागत किया तथा साथ में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजे के साथ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी को उदयलाल आंजना को ऊंट पर बैठकर सभास्थल तक ले जाया गया, जहां पर उन्होंने श्री सावलियाजी सेठ की बड़ी मूर्ति के दर्शन कर पुजारी शंभुदास वैष्णव ने आंजना को तुलसी पत्र चन्मन्नत और राव प्रसाद देकर जीत की शुभकामनाएं दी। अंजना ने एक दर्जन गांव का दौरा किया। मैं आप सभी की हर समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और इसके अलावा जब भी आपके किसी भी प्रकार का सामाजिक धार्मिक कोई भी आयोजन होगा उसमें जब जब भी आप मेरे को याद करोगे तब तक मैं आपके बीच में होगा। कुछ समय से मेरी व्यस्तता के कारण मैं आपके बीच में कम आ सकता, लेकिन अगर आपके मेरे अवसर दिया तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच में हमेशा बना रहूंगा, क्योंकि मैं आपके ही क्षेत्र का निवासी होता। आप मुझे लोकसभा चुनाव में विजय बनाए फिर सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। प्रचार को प्रारंभ पत्रकार है, एक महीने से कवर कर रहे हैं, माहौल देख लीजिए बांसोड़ों का। वहाँ से मुझे ऊँट की सवारी पे मैंने मना किया, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती ऊँट पर बैठा कर लाए। कोई ऊँट पर बिठा रहा है, कोई घोड़े पर बिठा रहा है, कोई ट्रैक्टर चलवा रहा है। ये उत्साह और उमंग ही तो करवाती है कार्यकर्ताओं से, और कौन करता। ये कोई व्यवस्था मैंने तो नहीं की, ये इन सब साथियों ने की। ये उत्साह और उमंग ही तो है जिसकी वजह से ये सब साधन ला रहे और कर रहे। उत्साह आप देख ही रहे हैं सर। भाजपा के बड़े मंत्री खुद कह रहे हैं 11 लाख वोटों से हम जिताएंगे, क्या इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? 23 लाख वोट उन्हीं के खाते में जा रहे हैं यार। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मोदी की मन की बातें, लोगों को बातें मन की मालूम पड़ गई, इसलिए वोटों के प्रति उत्साह नहीं रहा है। कांग्रेस के साथियों ने जम के मतदान किया है, इनके साथियों ने जो तटस्थ थे वो गई नहीं चुनाव में वोट डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।